देखिए भाई, काफी बुरी न्यूज आ चुकी है थाला पार्टी विजय सर के 68 फिल्म से ही। इस फिल्म का सब कुछ पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब तो आइए जानते हैं आखिर मैटर हुआ क्या है। सो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा, कुछ दिन पहले पिंक ब्लॉक की रिपोर्ट के अनुसार भैया थालापट्टी विजय अपने 68 फिल्म का शूटिंग लियो खत्म करने के जस्ट बाद अगस्त महीना में चालू कर देंगे। तो भाई आज वो प्लान कैंसिल हो चुका है। एक्चुअली में अब विजय सर थाला पार्टी 68 का शूटिंग अगस्त में नहीं बल्कि अक्टूबर महीना में चालू करेंगे। और जो मूवी रिलीज होने वाली थी अगले साल समर में, अब वो भी पोस्टपोन होकर सीधा अगले साल दिवाली पर शिफ्ट हो गई है। यानी कि फिर से थाला पार्टी 68 अगले साल अक्टूबर महीना में देखने को मिलेगा हमें। देखिए सब पोस्टपोन क्यों हुआ, इसके पीछे अभी तक क्लियर न्यूज बाहर नहीं आया है। बट ऐसा बोला जा रहा है इस पोस्टपोन के पीछे दो रीजन हो सकता है, जिसमें से पहला जिसका ज्यादा चांस है और वो है पॉलिटिक्स। हाँ भाई, लियो खत्म करने के बाद थालापट्टी विजय सर कुछ पॉलिटिक्स वाला काम करेंगे। शायद अभी एक दो छोटा मोटा रैली निकालेंगे, फिर अगले दो साल बाद एकदम बड़े स्केल पर डेब्यू करेंगे वो राजनीति में नेतागिरी करने के लिए। और दूसरा रीजन ये भी बोला जा रहा है, शायद फिल्म के डायरेक्टर वेंकट प्रभु अभी फिल्म का स्क्रिप्ट वाला काम खत्म नहीं किए हैं, उनको और एक दो महीना चाहिए थालापट्टी 68 का कहानी को बनाने के लिए। जो भी हो भाई, बट हमारा थालापट्टी 68 तो पोस्टपोन हो गया ना। खैर अब देखते हैं अब आगे क्या अपडेट आता है थालापट्टी 68 की शूटिंग से। देखिए वैसे ही आपको बता दो, ये थालापट्टी 68 भी कोई आम फिल्म नहीं है। इसको भी बोला जा रहा है ये थालापट्टी विजय सर की कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म है जो पैन इंडिया हिट हो सकती है। अब पता नहीं किस टाइप का कंटेंट होगा टी 68 में, गैंगस्टर, साईफाई, फैमिली ड्रामा या एडवेंचर या क्राइम एक्शन, इसका भी जानकारी अभी मेकर्स रिवील नहीं किए हैं जनता में। अगर थालापट्टी विजय सर इस मूवी के लिए 200 करोड़ फीस ले रहे हैं तो पक्का फिल्म का लेवल भी उनकी बाकी फिल्मों से कई गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। आशा करते हैं वेंकट प्रभु कुछ अलग प्रकार के फिल्म विजय सर के लिए बनाए, जैसे एडवेंचरर या साइंस फिक्शन टाइप की मूवी। सो दोस्तों आपको क्या लगता है थालापट्टी विजय सर की 68 फिल्म किस कैटेगरी की होने चाहिए, एडवेंचरर, साईफाई या नॉर्मल सी एक्शन वाली? अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताना आप। और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।